आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि 50 सालों बाद इस ब्राइड ने अपने सिग्नेचर बॉटल के कलर ग्रीन को चेंज करके व्हाइट कर दिया? डिफरेंट कंट्रीज के पासवर्ड डिफरेंट कलर के क्यों होते हैं? इस तस्वीर में दिखाया जाने वाला ये पैरोट असल में एक पैरोट नहीं है। इसी तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। हे गाइस, मैं हूं समरा और आप देख रहे हैं फैक्टिविएशन। इस चैनल में आप दुनिया भर से कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जान पाएंगे कि आपके मुंह से एक ही बात निकलने वाली है, वाओ, इट्स अमेजिंग। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 12। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि अगर किसी को किडनैप करना होता है तो क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल उसके नाक पे रखते ही बंदा बेहोश। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि रियल में क्लोरोफॉर्म कम से कम 6 से 8 मिनट लेता है किसी भी बंदे को बेहोश करने के लिए, ना कि 1 सेकंड में मूवीज की तरह। फैक्ट नंबर 11। अगर आप चल चल के थक गए हो और आपको अचानक से बिना चेयर के चेयर पे बैठने जैसा मजा मिल जाए तो ये काम अब मुमकिन है चेयरलेस चेयर से। इस चेयर को कीथ गनोरो ने इन्वेंट किया। इसकी जरूरत उन्हें तब लगी जब वो यूके की एक पैकेजिंग फैक्ट्री में लगातार खड़े खड़े काम करके थक जाते थे और उस वक्त उन्हें कोई चेयर नहीं मिलती थी, तो उन्होंने ये चेयर बना डाली। ये चेयर इस तरह से काम करती है कि जब आप इसको अपने दोनों पैरों पर बांध लो और जब भी आपको बैठने का मन करे तो आप बैठने की पोजीशन में आकर इस लॉक बटन को दबा दो तो ये चेयर उसी पोजीशन में लॉक हो जाएगी। फैक्ट नंबर 10। क्या वाकई ग्रीन टी बॉडी को डिटॉक्स करती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी बॉडी डिटॉक्स और क्लेंस प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलती हैं वो कोई काम की नहीं है। ये सिर्फ कंपनीज की मार्केटिंग टैक्टिक्स है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूवन नहीं है। अब पता चला ब्रांड्स किस तरह हमें उल्लू बनाती हैं। फैक्ट नंबर 9। अक्सर ऐसा होता है कि हम 4-5 घंटे की नींद लेकर उठते हैं और फिर भी हम थका थका महसूस करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम सोने से पहले ओवरथिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग नींद में भी एक्टिव रहता है और इतनी देर सोकर उठने के बाद भी हम थका थका महसूस करते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि हम जो किटकैट खाते हैं वो असल में किटकैट से ही बनी है? कहीं आपको ये ना लगे कि मैं ये क्या बोले जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है कि किटकैट कंपनी वाले अपनी चॉकलेट को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि अगर कोई किटकैट टेढ़ी मेढ़ी बन जाए तो वो लोग उसे मैश करके पेस्ट बनाकर किटकैट के वेफर में फिल कर देते हैं, इसलिए किटकैट वेस्ट किटकैट से ही बनती है। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हो कि हम जो चिकन खाते हैं, साइंटिस्ट का मानना है कि ये चिकन यानी मुर्गी पहले जमाने में पाए जाने वाले डायनासोर की एक ब्रीड यानी कि टाइनासोरस से है। तो क्या हम डायनासोर का टिक्का खाते हैं? फैक्ट नंबर 6। इस पिक्चर में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक पैरोट है, तो गौर से देखो इस पिक्चर को। इस पिक्चर में कुछ अलग है, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। अभी भी अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि ये एक औरत की तस्वीर है जिसने अपनी पूरी बॉडी को पेंट करके ऐसा पोज दिया है कि ये एक पैरोट लग रही है। अच्छा, अगर आप लोगों को 10 सेकंड में ही पता चल गया तो कमेंट सेक्शन में यार मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5। इस पिक्चर को देखो, ये पिक्चर वर्ल्ड बिगेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की फर्स्ट स्टाफ की है, कंपनी के मालिक बिल गेट्स के साथ। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि बिल गेट्स इस पिक्चर में कहां पर हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आप बता सकते हो कि ये पिक्चर कहाँ की है? आपको भी मेरी तरह लग रहा होगा कि ये पिक्चर किसी रेस्टोरेंट या ढाबे की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये पिक्चर 1930 के एरोप्लेन के अंदर की है। ये शॉकिंग है ना ये। फैक्ट नंबर 3। इस पिक्चर को देखो, पहली तस्वीर में आपको लगेगा कि ये किसी बुद्धा के एक स्टैचू की है, लेकिन अगली तस्वीर में इसकी सच्चाई बाहर आ रही है इस स्टैचू के एक्सरे से। ये सिर्फ एक स्टैचू नहीं है बल्कि 1000 साल पहले एक मॉन्ग ने खुद को सेल्फ मम्मीफाई किया है। फैक्ट नंबर 2। आपने अक्सर डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग रंगों के पासपोर्ट तो देखे ही होंगे। ये इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ कंट्रीज अपने कल्चर और ट्रेडिशन को इन रंगों के जरिए बताते हैं, लेकिन हर पासपोर्ट का अलग अलग कंट्रीज के लिए जरूरी नहीं है। फैक्ट नंबर 1। स्प्राइट ने अपनी ग्रीन वाटर का कलर चेंज करके व्हाइट इसलिए कर दिया क्योंकि कोका कोला कंपनी जो कि स्प्राइट भी बनाती है, उसका कहना है कि ग्रीन बॉटल के मुकाबले में व्हाइट बॉटल को रिसाइकिल करना ज्यादा आसान है, और आजकल तो हर चीज ही रिसाइकिल होती है ताकि चीजें वेस्ट ना हो और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे। वैसे स्प्राइट की ग्रीन बॉटल काफी याद आने वाली है। अब यार वीडियो में यहाँ तक आ गई हो तो यकीनन आप लोगों को वीडियो तो पसंद ही आई होगी, तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, वरना इतनी बड़ी यूट्यूब में हमें कहाँ ढूंढते भी रहोगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ हमारी आने ही वाली है। और जब तक हमारी न्यू वीडियो नहीं आ रही, आप हमारी इन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।